गुड मॉर्निंग गाइस। तो टाइम हो चुका है भाई 11 का, अभी निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो ये होटल हमें इतना पसंद आया कि हमने 2 दिन यहीं पे ही बिताए। काठमांडू में स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। अरे मास्क तो हटा ले, तभी तो पता लगेगा। नाम बताओ अपना। नवीन। नवीन भाई है ये। और ये भाई का अपना नाम भाई जी? तरुण। तरुण, तरुण नाम है। और ये ओनर है और ये इनके स्टाफ है। तो बहुत बढ़िया, मिलके खुशी हुई भाई। और अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना नेपाल, तो इन भाई से जरूर मिलेंगे और यहीं पे स्टे करेंगे। तो अभी कुछ कर लेते हैं भाई, नाश्ता पानी और फिर चलते हैं। लोग चलने से पहले बारिश होगी स्टार्ट। अच्छा है, मौसम भी बढ़िया होगा, लेकिन पहाड़ों की दिक्कत है भाई। लाइट स्लाइडिंग ना होने लग जाए। तो कल की तरह फिर से नाश्ता अपना और कंफर्ट जोन में होके गाड़ी चलानी 500 किलोमीटर के आसपास। तो भाई काठमांडू को करते अब बाय बाय और अब हम चल पड़े सिलीगुड़ी की साइड। तो बीच का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, कितना अमेजिंग होने वाला है। ले भाई पहली समस्या आ गई है, टायर देखो भाई शायद पंचर हो चुका है। काफ़ी चलने के बाद दुकान मिली है करीबन 10-12 किलोमीटर बाद ये वाली। तो अभी करवाते हैं पंचर चेक और करते हैं फिर आगे की जर्नी को स्टार्ट। ये देखो भाई गाड़ी कहाँ चढ़ा दी, अभी हवा करवाई है इसलिए नहीं लग रहा, लेकिन अभी पंचर को भी बंद बैठ गया हुआ है। भाई पेंच यहाँ है, हो गए भाई परेशान थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, लग गया भाई पंचर, एक पंचर था। और अभी निकलते हैं आगे की ओर। ये देखो भाई बाकी मौसम देखो, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी छांव है, बादल ही बादल हो चुके हैं। देखो चल, इधर खुला आसमान है, उधर बादल है, काली घटा है। हमें जाना है इस तरफ सिलीगुड़ी की साइड और ये अपना काठमांडू। तो निकलते ही पंचर हो गया यार। और जो मैं बता रहा था आपको, पहाड़ों पे इतना मतलब प्लेन सा ही रास्ता है, ये ज़्यादा घुमावदार नहीं है। गाड़ी अपनी सेम टू सेम इंडिया वाली जो भी है, एक दो कंपनियाँ अलग हुई है, लेकिन टेम्परेचर 26 डिग्री और टाइम 1:21। तो हम तो अपने सफर का कर रहे हैं एंजॉय भाई, आप लोग भी वीडियो देख के एंजॉय करो। और ये देखिए भाई सुंदर लग रहे हैं ना यार, देख यहाँ के रास्ते नेपाल के जानलेवा हो रहे बिल्कुल ही। खराब आ गए भाई, कुछ कुछ रास्ते बहुत ही खराब है यार, बन रहे हैं जैसे ये अभी मुश्किल ही हो रही है गाड़ी चलाना। देख लो भाई ये देखो भाई सिंगल रोड हो गया, बुरे तरीके से फंस गए भाई जाम में। तो ट्रक वाएगा तो शीशा भी टूट गया ये पड़ा। यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे भी मक्की खेती है ये। ये देखो भाई आसमान, कहीं वाइट है कहीं ब्लू है, बहुत प्यारा लग रहा है। नीचे काफी ऊंचाई थी यार, नीचे खाई थी कई कई जगह। तो इतने गंदे रास्ते आए हैं ना नेपाल के, मतलब इनसे गंदा रास्ता कोई देखा ही नहीं है, इतने गंदे रास्ते आए भाई, बहुत ही खराब रास्ता। हाँ लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी आ रही है यहाँ। बहुत स्पीड चल रहे हैं भाई बंदे, तो पता नहीं पत्थर है भी या मिट्टियों का एक पहाड़ भी, समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे गाड़ियाँ कम है और बाइकें ज़्यादा है,
आवाज़ सुनो भाई, रात वाला माहौल कर रखा बिल्कुल, जैसे रात को आवाज़ नहीं आती। तो ये है भी यहाँ पे जंगल टाइप से पार्क है कोई, देखो क्या ऑसम व्यू आ गया यार। सफर इसको बोलते हैं, सफर का मजा। दोनों तरफ पेड़ पौधे हरियाली बहुत ज्यादा, और ये आवाजें तो आप सुन ही रहे होंगे। मतलब आगे गाड़ी ले जाने का मन ही नहीं किया इस मौसम को देख के, कितना प्यारा वेदर हो चुका है। ये देखो भाई, नीचे काफी ऊंचाई पे हम अभी, गाड़ी धुलवाई थी फिर से गंदी होगी भाई, पर अब की बार इतनी नहीं है क्योंकि बीच में बारिश आ रही है ना, तो ठीक है। ये देखो भाई, जहां तक देखोगे वहां तक ही मौसम का नजारा ही मिलेगा। देखो यार कितना प्यारा मौसम, मौसम मजा। अब भाई अपने को लग गई भूख, और अभी लाते हैं खाना बनाने के लिए सब्जी। तो धूप भी निकलाई, पीछे वेदर अच्छा था, अभी भी दिख रहा देखो। तो आज आलू गोभी की फरमाइश है, तो आलू गोभी बनाएंगे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा यहाँ मिलेगी कुछ। यो देखो भाई, खेती कौन लग रही है, छोटा सा प्यारा सा गांव है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, साथ में नदी बह रही है, ठीक है, और गांव की जो भी छवि होती है जिस तरीके का भी होता है, देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़। बस थोड़ा सा ना यहाँ पता नहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या चीज़ है, पर व्यू देखो, देखिए। और अभी खाना भी बनाना भाई, तो करते हैं फिर इंजॉय अपनी एक्सप्लोर खड़ी यहाँ पे। और भाई मन किया वीडियो बनाने का, दिखाने का आप लोगों को, इसलिए गाड़ी को रोका मैंने। बहुत बढ़िया वेदर, बहुत मस्त है, बिल्कुल नेट एंड क्लीन रोड आ चुके हैं, है सिंगल रोड लेकिन नेट एंड क्लीन है। तो अभी चलते हैं भाई हम लोग आगे, और दिखाते हैं आप लोगों को आगे का सीन। ये देखो सीन भाई, ऐसा ना देखा कहीं पे। जाने अनजाने में छोटा सा दान भी हो गया, लेकिन ये दान का ना मजाक कर रहे हैं भाई। और ये लोकेशन देखो भाई, यहाँ पर बनाएंगे हम अपना आज का खाना। खाने का आज फर्स्ट दिन है हमारा, फर्स्ट डे आज हमारा खाने का। और सामने देखो भाई कितना कितना प्यारा वेदर है, शायद बारिश हो रही है, यहाँ नहीं आनी चाहिए भाई, वरना अड़चन आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलो अभी बनाते हैं भाई खाना, और ना सारा सामान मैंने आगे का ना पीछे पैक कर दिया भाई, आज भगवान भी नहीं चाहता हम खाना बनाओ। देखो भाई बारिश कर दी, आपने तो वापस पैक कर दिया सारा सामान, आगे निकलना है हम तो। चलो भाई दीपक, चल भाई करवा दी बारिश। मैं बताऊं तारे बारिश आ रही यार, सुबह से भूख लगी हुई है। अच्छी यार, ये तो शुक्र है चूनर दाल वगैरह कुछ तैयार ना कर रहा था। हाँ, हमने सेटअप निकाला ही था सारा, वापस रखना पड़ा। मैंने बता दी थी तेज की आओगी, और बारिश भी जो मैं दिखाए थे ना वीडियो में, वहाँ से उठ के आया वो वही है, वही है। चलो कोई बात नहीं भाई, देखो भाई बेशक पहाड़ों के बीच में तो चलन लग रहे जब के ही, लेकिन ये नहीं लग रहा कि हम ऊंचे नीचे आगे पीछे मतलब करके वो कर यूं करके नाग की तरह चल रहे हो, बिल्कुल सीधे रोड है। और प्यारे भी इतने हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, कभी धूप निकल रही है कभी छाव निकल रही है, और कुल मिला के मज़ा आ रहा भाई। ड्राइविंग करने का ना जो मज़ा है ना, जो लुप्त है वो ले रहे भाई हम। और ये बाहर की टूरिस्ट बस है, देखियो यार किसका मन ना लगा यहाँ पे। यो देखो भाई, स्पेशल उस पार्ट के ऊपर, कहीं पे धूप है कहीं पे छाव है, देखियो कितना प्यारा मौसम लग रहा है व्यू।
देखो भाई शीशे ही शीशे लगा रखे हैं, कोई मंदिर वगैरह है यहाँ पे, श्री सती देवी माता मंदिर, कितने प्यारे लग रहे देखना, शीशे ही शीशे पूरे उस पे। कोई मन्नत मांगे है, हाँ किसी मन्नत, तो शायद मन्नत मांगे उसकी पूरी हो जाए। हाँ होगा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा भाई, मंदिर भाई ये बहुत ही प्यारा व्यू देखना यार। देखियो यार कितना प्यारा नजारा आ गया यार, बहुत ही ऑसम। और नीचे पता कितनी कितनी गहरी खाई है वो तेरी, अब देखियो उधर देखियो भाई, इधर ये देखो भाई कितनी गहरी खाई है, बहुत ही ज्यादा यार। जान निकाल देगी ये अगर उस तरफ एक बार भी देख लिया तो। ये कारण है भाई लैंड स्लाइडिंग का, क्योंकि ये ना पत्थर वो मिट्टी वाले पत्थर है वैसे नहीं है, और आप कहीं से भी देख लो सारी लाल मिट्टी मतलब भूरे भूरे से हैं, करड़ा पत्थर नहीं है यहाँ पे। और लेकिन व्यू देखो यार कितना उस समय, अभी तक खाना बनाने का नहीं मिल लिया भाई, तो खाना बनाना था, सोच रही है बना ले। दीपक देखिए लोकेशन ठीक नहीं, बना ले मैं पेड़ नहीं है ना, चलो देखते हैं भाई अगर यहाँ बनता है तो यहाँ, वरना आगे देखते हैं फिर। खाई खाई भाई ये देखो मिट्टी है, बस मिट्टी है भाई ये। देखियो यार नेपाल यार इतना सुंदर है, सोचा नहीं था भाई बिल्कुल भी, ऑसम ही व्यू आ गया भाई नेपाल पे भाई, बिल्कुल मेहरबान भाई प्रकृति नेपाल के ऊपर, बहुत ही प्यारे उस प्यारे व्यू और गहरी खाई, साथ में गहरी खाई देख लो भाई कितनी गहरी है। यो देखो भाई उसम ही उसम, आज का तो दिन भाई ये वाले हमारा ही दिन आज का, कितना प्यारा ब्रो स्वाद आ गया यार। लो भाई 360 व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो भाई, ये देखो भाई कितना प्यारा ऑसम व्यू है, ये देखो, ये देखो भाई क्या मिल गया हमें, सुई बुई का पेड़। शर्मा गई क्या, ले भाई कर दिया सेटअप हमने अपना यहाँ पे, और व्यू देखो भाई। और पता क्या बनाते हैं, दाल एक नंबर की दाल बना के, और आज रोटी बनाऊंगे भाई स्पेशल, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है खाना बनाने का, मतलब सब्जी तो आती है लेकिन रोटी नहीं आती, आज रोटी बनाएंगे भाई, तो कर रहे हैं भाई अपन स्टार्ट कार्रवाई भाई। इस चीज़ का मतलब पूरा प्रॉपर ध्यान है साफ़ सफाई का, तो कहीं भी जाओ यार साफ़ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी मत फैलाओ भाई कहीं पे भी। दिखाता हूँ मैं आपको खाना बना के, या मत गिर दी ना फिर क्या होगा, कोई दिक्कत ना है, मैं उछलता तू ना उछलता था ना, वो आज बात वैसे भी तो एक तो बाहर प्लेट हलवाई लग गई है, हलवाई देख लो भाई सही कह। वाह भाई वाह दीपक कति परफेक्ट मार दिया भाई, भाई क्या ब्याह शादी हो ना तो भाई ने बोल लियो पूरी बढ़िया तार देगा, आलू के परांठे भी आओ भाई ने तारने भाई। खाना देखो भाई खाना बना दिया यहाँ पे, एक्सप्लोर टू इंडिया के मंच पे मिलेंगी ये चीज देखने। ओहो चांद भी निकला है भाई, और मौसम देखो कितना खतरनाक हो गया। तो भाई रोटी भी बन गई हमारी तैयार होगी, दीपक भाई ने बना दी रोटी, अरे भाई खाऊंगी गीत है ना तो जाऊंगी जीत है, खानी तो गीत है खानी भाई रोटी, ये देख लो भाई मजा आ गया, सिस्टम बैठ गया तगड़ा भाई, स्वाद आ गया कसूता। रोटी बन रही गच, अरे दाल तो सहम गच, दाल दिखाऊंगा
यह दाल देखो भाई, मतलब सारा सौदा बढ़िया बन रहा है, करारी बना। घने दिन हो गए थे भाई घर की रोटी खाए, आज बनाई ली थी, वो मौका ना लग गया भाई थोड़ा सा इस कारण। खा लो भाई जिसने रोटी खानी है। जो देखो भाई एक और मुसीबत आ गई, फोग लग गया, कुछ नहीं पीता, एक मुसीबत ही, शीशा सारा ऐसा हो गया, कपड़ा भी मार दिया इसके ऊपर। अभी 150 किलोमीटर के आसपास ही आए हैं, 350 किलोमीटर तो भी रह रहा है। चांद की चांदनी और सामने हमारा रोड, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया भाई। टाइम हो गया भाई 9:20 हो चुकी है, और बस अभी आधा घंटा और चला के गाड़ी फिर स्टे करते हैं, और इस वीडियो को करते हैं भाई अब यहीं पर समाप्त। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और एक बैड न्यूज़ है, मेरा एप्पल का फ़ोन गुम हो चुका है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और बाकी आते समय आपने देखा ही है, पंचर भी हो गई थी गाड़ी। चलो भाई गुड नाइट।